1857 की 56 छुरी तेरा कोई कैरेक्टर वैरेक्टर है कि नहीं? उल्लू की पट्टी क्यों सरकार की तरह गिरती है बार बार? है अरे हवालदार, ये खटारा बेच क्यों नहीं देते? ये तो चलने के बजाय बार बार गिरते ही रहता है। खामोश, ये अंग्रेजों के जमाने की साइकिल है जो जाते जाते अंग्रेजों ने हमारे बाप को दी थी, जो अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे। आज जब हम इस साइकिल पर बैठकर शहर से गुजरते हैं तो लोग चिल्लाकर कहते हैं कि वो जा रहा है हवलदार बुलेट सिंह। जो पहले इंस्पेक्टर था आज हवलदार। खबरदार, ड्यूटी पर गाली मत देना पांडू, वरना मैं तेरे बाप का नाम चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा। क्या इंस्पेक्टर साहब? अटेंशन, क्या बात है बुलेट सिंह, क्यों तमतमा रहे हो? क्या बताऊं मैडम, अपने बाप के गुनाहों की सजा मैं भुगत रहा हूं। क्यों, क्या हुआ? मेरा बाप एक जेलर था, वो भी अंग्रेजों के जमाने का जेलर। मेरी बदकिस्मती थी कि उसकी जेल से वीरू और जय नाम के दो टपोरी इसी साइकिल पर बैठकर भाग गए थे। उस सदमे से मेरा बाप पागल हो गया और उनको सस्पेंड कर दिया गया। सरकार ने मेरे बाप का गुस्सा मुझ पर उतारा, मेरी इंस्पेक्टर की वर्दी उतारकर हवलदार की वर्दी पहना दी, वरना ये बुलेट सिंह आज किसी थाने का थानेदार होता। एक दिन तुम जरूर थानेदार बनोगे बुलेट सिंह, सब्र करो। मुश्किल बल्कि इम्पॉसिबल, सबर के फल नसीब के झाड़ पे लटक लटक के सड़ गए मैडम, सड़ गए। यह डाकू सुधर के लीडर बन गए, मगर न मेरा बाप सुधरा, न मेरा नसीब, न ये साइकिल। ये हीरो लोग कौन है? ये बड़े खतरनाक लोग हैं सर, एसआई साहब ने अरेस्ट किया। एसआई साहब ने अरेस्ट किया? जी। अरे कमाल है यार, एसआई साहब आजकल बहुत काम करने लगे हैं ना? जी। यार मैं बहुत थक गया हूँ, एक अच्छी चाय ले आ मेरे लिए। जी, अभी लाया सर। बहुत काम कर लिया भैया, थोड़ा आराम भी जरूरी है जिंदगी में। मैं आ गया। तूने मुझको मारा, शक्ति जैक्सन को मारा। अबे पुलिस स्टेशन में चल, मार मार के भुर्ता बना दूंगा, तूने मुझे बहुत सताया है। लेकिन मेरा कसूर क्या है? कसूर? तीन तीन सवारियों के साथ एक मोटरसाइकिल पे नो एंट्री में घुस रहा है। Well, that's no crime. हमारे लॉ में बहुत बड़ा क्राइम है, चल नीचे उतर। ऐसा मत कर हवलदार, मुझको अंदर मत कर मेरे यार। मेरा भाई है बड़ा शक्तिशाली, बजा देगा वो तेरी ताली, उसके बाद तेरा हो जाएगा मोटा पेट खाली। You gotta dig it, man. You gotta dig it. अबे चुप। अबे नहीं छोड़ूंगा तुझे, तेरा भाई तो क्या, तेरा बाप भी आ जाए ना तो भी नहीं छोड़ूंगा। बहुत दिनों के बाद हाथ आया है तू। मोर मोर के जेल में सड़ा दूंगा तुझे। ये कौन? अपन भी आ गया क्या? हाय। पहचाना? दो है, दो है। जो है सो है, वो है, मैं हूँ। एक ही है अपुन का बाप, माँ भी एक ही है। तू अपुन के भाई को क्यों पकड़ा रे? पुलिस को मारता, तीन लोगों को मोटरसाइकिल पे बिठा के नो एंट्री में जा रहा था। आप होते तो आप ही उसे पकड़ लेते। मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? जल्दी से इसे छोड़।
वरना आ जाएगा कहानी में एक नया मोड़, हो जाएगी शमशान की तरफ तेरी दौड़। है कोई इसका तेरे पास तोड़? तोड़ मोड़ के जोड़, तोड़ मोड़ के जोड़, तोड़ मोड़ के जोड़। अरे इसे अगर मैंने दिया छोड़ तो आईजी सर डालेगा मेरा फोड़। अगर तू इसे छोड़ेगा तो आईजी तुझे फोड़ देगा। आ, आ, अगर नहीं छोड़ेगा तो अपन तुझे फोड़ देगा। जल्दी से डिसाइड कर। अभी छोड़ देता हूँ आपके सामने, आपके सामने छोड़ देता हूँ। आप वो रिवॉल्वर अंदर रख दीजिए। तो तोड़ मोड़ के छोड़, छोड़ छोड़ छोड़। ए भैया जा, जाओ जाओ भैया, तोड़ मोड़ के छोड़। भैया आप जाओ, भैया आपका, आपके भाई साहब आए हैं आपको लेने। निकलिए, निकलो भैया, निकलो, आप जा सकते हैं। सर मैंने इनको छोड़ दिया, चाहिए। साहब आप सचमुच हमें छोड़ रहे हैं? जाओ ना भैया, हाथ जोड़ता हूँ, आप जाओ। छोड़ दिया सर, आप जाओ, आप जाओ ना सर, आप क्यों खड़े हैं? मैंने आपके भाई को सबको छोड़ दिया, छोड़ जाओ, आप जाओ, आप जाओ सर, आप जाओ। ये सब क्या है? शक्ति, शक्ति, तुमने ये सब क्या किया? तुम्हें मालूम है इतने खतरनाक मुजरिमों को छोड़ दिया? मैं तुम्हें 24 घंटे दे रहा हूँ, अगर उन लोगों को फिर से गिरफ्तार नहीं किया ना, आई विल सस्पेंड यू, आई विल सस्पेंड यू। शक्ति, शक्ति, लंगूर की दुम पर अंगूर की बेल, पति हमेशा दारू पी के पत्नी को मारता है, लेकिन इधर देखो मामला ही उल्टा है, हर रोज अपनी पत्नियों से पिटके आ जाते हैं। थू, थू। शक्ति सिंह, मर्द सारी दुनिया पर रोब जमा सकता है मगर अपनी औरत पर नहीं। एक बात और सुन लो, हर पति अपनी पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। म्याओ। चुप, मैं बिल्ली नहीं हैगा, ओए बिल्ला हूँ, बिल्ला। इतनी जोर से चिल्लाता हूँ कि बाजू वाली बिल्ली भी डर के, मेरा मतलब है पत्नी, डर के भाग जाती है, और जो मेरी बीवी है ना, छोटे से चूहे की तरह चू 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 करती हुई बिल में घुस जाती है। इसका मतलब आपने उसकी फूफू करवा दी, मतलब डरती है आपसे? अरे डरती है, देखना मैं सांडनी है, सांडनी, लेकिन मुझे देखते ही सूखे पत्ते की तरह थर थर कांपने लगती है। अच्छा आगे सुनो, सुनाओ। वो मैं कहता हूँ, पानी लेके आ, वो डरती हुई साथ में दूध का गिलास लेके आ जाती है। मैं कहता हूँ, दूध के गिलास के साथ आलू का पराठा क्यों नहीं लेके आई? वो डरती हुई कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं आई 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 आई। अंगूर की तुम पर अंगूर की बेल, पत्नी को देख के इंजन हो गया मेरा फेल। क्यों जी, इन लोगों के साथ क्या बकवास कर रहे थे, जरा मैं भी तो सुनो। ओ मेरा कान छोड़ दे। ओ मैं बकवास नहीं कर रहा थी, तुम्हारी तारीफ कर रहा था। मैं इनको कह रहा था, मेरी पत्नी को देखो, आहा, वो कितनी पतली नाजुक श्री देवी है वो। कार दे कपड़े क्यों ने धोए? वो पानी चला गया सी। पोछा क्यों ने लगाया? पोछा गुम हो गया सी। तेरी बड़े हीरो बन के सवेरे सवेरे थाने चले आए, मुझे नाश्ता क्यों ने दिया? वो गैस मुक गई थी, खत्म हो गई थी। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। सुनो जी, हाँ जी, मैं जरा जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर। कल खोल कर सुन लो, सुन रहा, वापस आने पर मुझे कपड़े धुल कर रस्सी पे सूखते हुए नजर आने चाहिए, वरना मैं तुम्हें निचोड़ कर रस्सी पे टांग दूंगी, समझे? समझ गया, नमस्ते। और एक बात, हाँ जी, बैंगन दा भरता, हाँ जी, और आलू दे परांठे तैयार रखना, हाँ जी, वरना मैं तुम्हारा भरता बना दूंगी। वो दिन कब आएगा जब मैं इस मोटी भैंस को मार मार के अड्डा पट्टा बना दूंगा। ये मरती क्यों नहीं है?